नमस्कार इस सत्संग में सभी का हार्दिक स्वागत है सर्वप्रथम हम सृष्टि के निर्माता भगवान ब्रह्मदेव का स्मरण कर ब्रह्मध्वज को प्रार्थना करते हैं ब्रह्मध्वज नमस्ते फल प्रद प्राप्ते वत्सरे नित्य मद्गृे मंगलं कुरु पूजा समुच्चय ग्रंथ में बताए इस श्लोक का अर्थ है हे ब्रह्मध्वज मैं आपको सदैव नमन करता हूं आप सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं आज नव वर्ष का आरंभ हो रहा है आप मेरे घर सदैव मंगलकारी घटनाएं होने दें इस विशेष धर्म सत्संग में हम भारतीय कालगणना के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का अर्थात नव वर्षारंभ दिन का अध्यात्म शास्त्रीय महत्व समझ लेंगे इसी दिन से सत्ययुग आरंभ हुआ यहीं से हिंदू संस्कृति के अनुसार कालगणना भी आरंभ हुई ब्रह्मपुराण में कहा है चैत्र जगत ब्रह्मा स सरज प्रथम इसका अर्थ है ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण चैत्र मास के प्रथम दिन किया इसी कारण इस दिन वर्षारंभ मनाया जाता है अंग्रेजी कालगणना के अनुसार यह दिन सामान्यतः मार्च अथवा अप्रैल मास में आता है यह दिन महाराष्ट्र में गुढ़ी पाड़वा नाम से मनाया जाता है गुढ़ी अर्थात ध्वज पाड़वा शब्द में से पाड़ का अर्थ है पूर्ण एवं वा अर्थात वृद्धिंगत करना अथवा परिपूर्ण करना पाड़वा इस शब्द का अर्थ है परिपूर्णता यह दिन कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे कि संवत्सरारंभ वर्षारंभ वर्ष प्रतिपदा युगादि उगादि गुड़ी पड़वा चैती चांद इत्यादि अब समझ लेते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को वर्षारंभ मनाने के कारण आजकल 31 दिसंबर की मध्यरात्रि को वर्षारंभ मनाने का प्रचलन है परंतु यह अनुचित है इसका कोई शास्त्रीय कारण नहीं चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को नववर्ष मनाना सर्वथा उचित है और शास्त्र सम्मत है इसके अनेक कारण हैं इनमें प्रथम देखते हैं प्राकृतिक कारण इस दिन वसंत ऋतु आरंभ होती है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूं इस काल में वनस्पति अंकुरित होने लगती है कुओं और तालाबों में नए स्रोत निकलते हैं अब देखते हैं ऐतिहासिक कारण इसी दिन भगवान श्री राम ने बाली का वध किया रावण का वध कर श्रीराम इसी दिन अयोध्या लौटे शकों ने हुणों को पराजित कर इसी दिन विजय प्राप्त की शालीवाहन राजा ने शत्रु पर विजय प्राप्त की और इस दिन से शालीवाहन शक प्रारंभ किया अब देखते हैं आध्यात्मिक कारण चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन ब्रह्मांड से सत्वगुणी प्रजापति तरंगे सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर आती है इसलिए यह दिन वर्ष के अन्य दिनों की तुलना में सर्वाधिक सात्विक होता है एक अन्य महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कारण यह है कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा साढ़े तीन मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा अक्षय तृतीया और दशहरा ये प्रत्येकी एक और कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यह आधा ऐसे साढ़े तीन मुहूर्त होते हैं इन साढ़े तीन मुहूर्तों की विशेषता यह है कि अन्य दिन शुभ कार्य हेतु मुहूर्त देखना पड़ता है परंतु इन दिनों का प्रत्येक क्षण शुभ मुहूर्त ही होता है अब देखते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को नववर्षारंभ मनाने की पद्धति इस दिन सवेरे जल्दी उठकर घर आंगन की स्वच्छता करते हैं उपरांत अभ्यंग स्नान करते हैं अर्थात शरीर पर तेल लगाकर गुनगुने पानी से स्नान करते हैं स्नान के उपरांत घर के प्रत्येक द्वार पर आम के पत्ते और गेंदे के फूलों का बंधनवार अर्थात तोरण लगाते हैं तदुपरांत नित्य का देवता पूजन करते हैं इसके उपरांत घर के आंगन में गुड़ी अर्थात ब्रह्मध्वज खड़ा कर उसका पूजन करते हैं पूजन के समय कुछ स्थानों पर महिलाएं आंचल से अपना सिर ढकती है यह एक परंपरा है इस दिन नीम के पत्तों से बना नैवेद्य ब्रह्मध्वज को विशेष रूप से अर्पित किया जाता है आप समझ लेते हैं नीम के पत्तों से नैवेद्य बनाने की पद्धति नीम के पंद्रह बीस कोमल पत्ते लें उनमें चार चम्मच भिगोई हुई चने की दाल एक चम्मच मधु एक चम्मच जीरा और स्वाद के लिए थोड़ा सा हींग डाले इस मिश्रण को पीसे यह है नीम के पत्तों का नैवेद्य अन्य किसी भी पदार्थ की तुलना में नीम में प्रजापति तरंगे ग्रहण करने की क्षमता अधिक होने के कारण इस दिन नीम के पत्तों से बना प्रसाद ग्रहण करते हैं अब देखते हैं ब्रह्मध्वज खड़ा करने की एवं उसके पूजन की विधि इसके लिए आवश्यक सामग्री है दस फुट से अधिक लंबा हराबास तांबे का कलश पीले रंग का रेशमी वस्त्र नीम के कोमल पत्तों की फूलों सहित छोटी टहनी शक्कर के पदकों की माला लाल फूलों का हार तथा ध्वजा खड़ी करने के लिए पीढ़ा अर्थात पाट अब समझ लेते हैं ब्रह्मध्वज सजाने की पद्धति प्रथम हरे बांस को पानी से धोकर सूखे वस्त्र से पहुंच ले पीले वस्त्र की इस प्रकार चुन्नट बना ले हरे वस्त्र का उपयोग भी कर सकते हैं अब उसे बांस के सिरे पर बांधे उस पर नीम की टहनी बांधे तदुपरांत शक्कर के पदकों की माला बांधे फिर लाल फूलों का हार चढ़ाए तांबे के कलश पर इस प्रकार कुमकुम -कुम की पांच खड़ी रेखाएं बनाएं। इस कलश को बांस के सिरे पर उल्टा रखें सजे हुए ब्रह्मध्वज को पीढ़े पर खड़ा करें और आधार के लिए डोरी से बांधे अब समझ लेते हैं ब्रह्मध्वज पूजन की विधि प्रथम आचमन करें। ओम श्री केशवाय नमः ओम नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नमः। अब देशकाल कथन करें इसमें पूजन करता पृथ्वी के किस क्षेत्र में काल के प्रवाह में कब पूजन कर रहा है यह बताया जाता है उसके उपरांत पूजन के लिए संकल्प अस्मिन् अस्मिन, अस्मिन प्राप्ते, प्राप्ते प्राप्ते नूतन नूतन संवत्सरे संवत्सरे अस्मत, अस्मत, नित्य नित्य मंगल मंगल अवाप्त अवाप्त ध्वजारोपण ध्वजारोपण पूर्वकम पूर्वकम पूजनम पूजनम तथा तथा आरोग्य आरोग्य अवाप्त अवाप्त निबपत्र निम्बपत्र भक्षण करिष्ये करिष्ये इसका अर्थ है हमारे घर संपूर्ण वर्ष मंगलकारी घटनाएं हो इसके लिए मैं नववर्ष के पहले दिन ब्रह्मध्वज खड़ा कर उसका पूजन करता हूं और आरोग्य की प्राप्ति हेतु नीम के पत्तों से बना प्रसाद ग्रहण करता हूं संकल्प के उपरांत गणपति पूजन करें तदुपरांत कलश घंटा और दीप का पूजन करें तुलसी के पत्ते से पूजा सामग्री पूजा स्थल और स्वयं पर जल छिड़क कर शुद्धि करें। अब ओम ब्रह्म ध्वजाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कर ध्वज पूजन आरंभ करें। प्रथम चंदन लगाएं। ओम धज नम समर्पयामि तदुपरा हल्दी और कुमकुम अर्पित करें ओम ब्रह्मध्वजाय नम कुकुम समर्पया अक्षत समर्पित करें चढ़ाए पुष्पम समर्पयामि इसके उपरांत उदबत्ति दिखाए। ओम ब्रह्मध्वजा नम धूप समर्पयामी तदुपरांत दीप दिखाए। ओम ब्रह्मध्वजा नम दीपम समर्पयामी नैवेद्य निवेदित करे ओम स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा पूजन के उपरांत परिजनों के साथ प्रार्थना करें हे ब्रह्मदेव हे श्री विष्णु इस ध्वज के माध्यम से वातावरण में विद्यमान सात्विक प्रजापति और सूर्य तरंगे मैं ग्रहण कर पाऊं उनसे मिलने वाली शक्ति और चैतन्य निरंतर बना रहे इस शक्ति का उपयोग मैं अपनी साधना हेतु कर पाऊं यही आपके चरणों में प्रार्थना है प्रार्थना करने के उपरांत ध्वज को चढ़ाया गया नीम के पत्तों का नैवेद्य वहां उपस्थित सभी में प्रसाद के रूप में बांटे और स्वयं भी ग्रहण करे अब देखते हैं ब्रह्मध्वज खड़ा करने के सूक्ष्म स्तरीय परिणाम महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय के कुछ साधकों को पंच ज्ञानेन्द्रिय मन एवं बुद्धि के परे के सूक्ष्म स्तरीय सूत्रों का ज्ञान होता है विशिष्ट कृत्य अथवा वस्तु के संदर्भ में इस प्रकार से स्पष्ट हुए सूक्ष्म स्तरीय सूत्र चित्र रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं यह चित्र कुमारी प्रियंका लोटलीकर शोध समन्वयक महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय ने बनाया है ब्रह्माध्वज में आनंद का वलय निर्माण होता है चैतन्य का वलय ब्रह्माध्वज के सर्व ओर निर्माण होकर कार्यरत होता है चैतन्य के इस वलय से अनेक वलयों का प्रक्षेपण होता है चैतन्य का प्रवाह ब्रह्मध्वज से वातावरण में प्रक्षेपित होता है शक्ति का वलय ब्रह्मध्वज के सर्व ओर निर्माण होकर कार्यरत होता है शक्ति के इस वलय से अनेक वलयों का प्रक्षेपण होता है शक्ति की तरंगे ब्रह्मध्वज से वातावरण में प्रक्षेपित होती हैं शक्ति का वलय बांस का स्पर्श जिस स्थान पर होता है वहां निर्माण होकर कार्यरत होता है शक्ति के इस वलय से अनेक वलयों का प्रक्षेपण होता है परिणामस्वरूप पाताल से आक्रमण करने वाली कष्टदायक शक्तियां दूर होती हैं इस सूक्ष्म स्तरीय चित्र से चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पर ब्रह्मध्वज खड़ा करने का महत्व स्पष्ट होता है इस दिन एक अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक कृति की जाती है वह है पंचांग श्रवण तिथि वार नक्षत्र योग और करण ये काल के पांच अंग है सूर्य चंद्र और अन्य ग्रह इनकी गति के कारण काल के ये पांच अंग निर्माण होते हैं इन पांचों अंगों की जानकारी जिसमें सारिणी के रूप में दी जाती है उसे पंचांग कहते हैं पंचांग देखकर ही किसी घटना अथवा कृत्य का शुभाशुभ फल बताया जाता है अब एक चित्रफी द्वारा समझ लेते हैं पंचांग श्रवण पंचांग श्रवण से पहले पंचांग पर स्थित गणपति का पूजन करते हैं पंचांगस्त महा नमः प्रथम पंचांग को चंदन लगाएं पंचांगस्त चंदनम चंद अब हल्दी चढ़ाएं उपरांत कुमकुम चढ़ाएं वृद्धि सिद्धिभ्या कुंकुम समर्पया फूल अर्पण कर नमस्कार करें पंचांगस्तमहागणपत नम पुष्प समर्पयामी अब पुरोहित से पंचांग में दिए वर्षफल का पाठ करवाएं यह वर्षफल अपने परिवार के साथ श्रद्धापूर्वक श्रवण करें संवत्सर फल संपूर्ण श्री गजानपणमस्तु ध्वज पूजन और पंचांग श्रवण करने के उपरांत पुरोहित को दक्षिणा अर्पण कर नमस्कार करें पुरोहित उपलब्ध न हो तो परिवार प्रमुख यह विधि कर सकता है वर्ष प्रतिपदा के दिन संवत्सर पूजन भी करते हैं देखते हैं संवत्सर पूजन वर्ष प्रतिपदा के दिन विश्व की निर्मित करने वाले ब्रह्मदेव की संवत्सर के रूप में पूजा की जाती है पूजा में उन्हें तेज सुगंध वाली दवना नामक वनस्पति चढ़ाते हैं दवना दिन भर शीतलता प्रदान करता है इसके उपरांत महाशांति करते हैं पूजा के उपरांत होम हवन कर यथासंभव ब्राह्मणों को भोजन दान एवं दक्षिणा दी जाती है संवत्सर पूजन करने से समस्त पापों का नाश होकर आयुर्वृद्धि होती है विवाहित स्त्रियों के सौभाग्य की वृद्धि होती है एवं शांति मिलती है सूर्यास्त के उपरांत तुरंत ब्रह्मध्वज उतारते हैं आइए देखते हैं ब्रह्मध्वज उतारने की प्रत्यक्ष कृति ब्रह्मध्वज उतारते समय परिवार प्रमुख ध्वज पर हल्दी और कुमकुम चढ़ाएं। ध्वज को गुड़ का अथवा कोई अन्य मीठा नैवेद्य निवेदित करें परिजनों सहित प्रार्थना करें हे ब्रह्मदेव दिन भर में इस ध्वज में जो शक्ति समाई है वह मुझे प्राप्त हो ध्वज उतारने के उपरांत उस पर रखे कलश का उपयोग प्रतिदिन पीने का पानी भरने के लिए करें। कलश में रखे जल के कारण व्यक्ति को सात्विक तरंगों का लाभ होता है चैतन्य प्राप्ति हेतु उसमें लगाया वस्त्र अपने वस्त्रों में रखें। ध्वज पर चढ़ाए गए पुष्प और पत्र बहते पानी में विसर्जित करें हमने नववर्षारंभ मनाने की पद्धति विस्तार से समझ ली इस सत्संग में दी आध्यात्मिक जानकारी से आपको धर्माचरण में निश्चित ही सहायता होगी कुछ स्थानों पर नववर्ष के स्वागत हेतु भारतीय संस्कृति दर्शाने वाली स्वागत यात्राएं निकाली जाती है इससे संस्कृति का संवर्धन होता है इस सत्संग में दी जानकारी और साधना संबंधी मार्गदर्शन सनातन संस्था द्वारा प्रकाशित ग्रंथों में उपलब्ध है ब्रह्मदेव की कृपा से यह जानकारी हमें प्राप्त हुई इसलिए उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर यही रुकते हैं नमस्कार